देखते बच्चा पार्टी क्या कर रही है। किट्टी क्या कर रही है? किट्टू ए किट्टू, ये हमारे बच्चा पार्टी क्या बना रही है? दिख नहीं रहा है। आलू लोकी पोहे बनाओ थी, इन्हें पोहे लिए बना। और ये आलू लोकी की अपनी सब्जी बनाओ थोड़ी सी, और बाकी का इन्हें सब ताई बना दिया। रायता उबलना रख दिया, गरम है बहुत, दूध गरम कर लिया इन्हें अपना। और इनके पोहे एक्सरसाइज ये करे या जिम में। और ये हमारी किट्टी, मैंने धो दिए कपड़े और इन्हें बना लिया अपना नाश्ता पानी। काम हो गया हमारा खत्म। हाँ जी, राम राम जी सारिया ने। मैं यो हो रहा था सुबह का टाइम, और मैं लाग रही थी कपड़े धोन, और बहू का दिखाई दिया था उतः, वह लाग रही थी नाश्ता पानी बनाने सुबह का। इतनी गर्मी पड़े भाई, कति डेली कपड़े धोने पड़े हैं इतने कुछ ने कुछ। और फिर धोन लाग जाऊँ तो सोचूँ ले इसने भी धो दूँ, इन्हें भी धो दूँ, तो बहुत सारे कपड़े हो जाए हैं डेली धोण में। तो मैंने तो यो रूटीन बना रखा है, घनी गर्मी है तो डेली कपड़े धो दूँ, चाहे धोऊँ थोड़े, लेकिन आज तक बैठ कर डेली कपड़े धो दूँ, क्योंकि हल्के हल्के तक कपड़े रहे हैं, टी शर्ट वगैरह ये। और हफ्ते में संडे ने या सैटरडे ने लगा लिया करूँ मशीन, और बीच में धो दिया करूँ सुबह डेली आते हैं। तो यो है शाम का 9 बजे का टाइम, और ये दिन में कपड़े उपड़े सूख गए थे, तो मैं कहीं इनकी तय बना दूँ, जो प्रेस के हूँ अलग कर लूँगी, और जो ये टी शर्ट कैपरी हैं इनकी अलग तय बना दूँगी। जो घर में पहरे जा भाई, टी शर्ट कैपरी ये तेनुए चाल जाए हैं, इनके तो मैं प्रेस कराना करूँ। इतनी गर्मी पड़ा है भाई, इसमें तो प्रेस लगाने का जी भी को ना करता, चाहे एसी चला लो चाहे कुछ भी चला लो, अपर गर्मी भयंकर वाली पड़े की बार, कोई असर ही होता। एसी के कमरे में भी आदमी कई घंटे बैठा रहेगा, उस कमरे में फिर के काम होगा एसी में? काम तो सारे बिना एसी करने पड़े बाहर। तो गर्मी नतीब का हद कर रखी है, न्यू पता ना मन ही ज़्यादा गर्मी लग गया है कि भाई सब ने लग गया है या घनी पड़े हैं। मेरे हिसाब से तो ईब के साल जो गर्मी पड़ी है, मन अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। पहले पंखे लाइट भी ना होया करते, बचपन में लाइट होया था करती, मतलब इसी आया करती थोड़ी बहुत देर, पंखे वंखे भी इसी होया करते, फराटे भी बहुत साल बाद आए थे। मेरे ख्याल से फराटे आए होंगे मेरी याद में तो 1998 के आसपास फर्राटे आए थे, तो उस तो पहले तो बिना ही पंखा के सोया करते बगड़ में, क्योंकि अंदर पंखे चढ़े रहा करते, उनमें तो लगा करती बहुत गर्मी अंदर। एक तो नाज का बबका हो जाता, सामान का बबका, गर्म बबक जाते, तो पहले तो आदत थी खुले बगड़ में सोने की, तो सब अपना बगड़ में ही सोया करते। और ये फर्राटे आए 1988 में, उस तय पहले तो नहीं सोया करते, वो फर्राटा भी रात ने 10 बजे बंद होया करता, 10 बजे चलया करता, 10 मिनट लाइट आया करती, 1 घंटा जा ही रहा करती। अब पर जब नींद आ जाया करती, नू पता ना घनी गर्मी ना थी, अग भाई शरीर ना आदत हो रही थी, वो तो भगवान जाने। अरीब तय एसी में भी इसे नींद आवे हैं, बहुत तो गर्मी पड़ा है बहुत ज़्यादा। अरे ये मैंने कपड़े बना दिए सारे तय, और आज तकरीबन कपड़े बिना ही प्रेस वाले थे घर में पहन वाले, तो इनकी मैंने सब की तय बना दी है। और ये साइड में जो मेज पर रख दिए रखती जाऊँ हूँ, ये हैं प्रेस वाले, तो मैंने चादर भी धोई थी, एक सिंगल बेड की चादर थी और एक थी डबल बेड की चादर, तो इनकी भी तय बना कर रख लूँगी, क्योंकि ये बतिया बिछानी को ना सुबह दूसरी बिछा दी थी इनकी जगह पर, और ये धो दी थी, तभी इनकी तय बना दूंगी। जब इनकी बारी आओगी 2-4 दिन बाद, जब इन्हें बिछा दूंगी और उन्हें धो दूंगी, इतना इन्हें तय बना कर रख लूँगी। ट्रन चाले जा कपड़े की भी चादरा की भी। तब थर्त बात करते करते तय दी मैंने बना, और यह एक गठड़ी बंदी धरी थी काल के कपड़े की, तब मैं कहा इन्हें भी खोल कर इन्हें भी कर दूँ, ये तो थे आज के और ये थे काल के, मैं कहा चल इन्हें भी अलग अलग कर दूँ, जो
प्रेस के उन अलग कर दूं और बिना प्रेस का ना अलग कर दूं, तो इसमें निकलेंगे क्योंकि काल ज़्यादा मेरे सूट साट हो रहे थे 2-3 दिन के, वे काल धुए थे। और ये मैं छत पर तो जब उतार कर लाई थी तो वहाँ तय थोड़ी थोड़ी तीन की तय बना लाई थी, न्यू की न्यू गठड़ी में ना बांध कर लाई थी ऊपर बैठ कर ना। बस ये तो थोड़े से अलग अलग करने थे कि प्रेस के कौन से हैं और बिना प्रेस के कौन से हैं। तो भाई यू एनू ये काम चल ले जा है मारे जी सहन तय, सुते उठे जब काम का लग गए हैं और सोए जावे हैं, सोते आना भी न्यू गिन कर सोना पड़ा है। अक सुबह उठ कर कौन सा काम करना पहला लागना है कि काल कौन सा काम पहला होगा। तो ये मैंने अलग अलग कर दिए तीन जगह, प्रेस के न्यारे कर दिए, शिवानी के न्यारे कर दिए, अपने न्यारे कर दिए और इनके सब के बिना प्रेस आड़ के न्यारे कर दिए। तो ये थे शिवानी के कपड़े, के शिवानी के अलग कर दूंगी क्योंकि हमारे एक दूसरे में मिक्स हो जाए हैं। तो फिर हम ढूंढते रहे हैं, मैं अपनी अलमारी में ढूंढे जाऊं कि मेरी आ चीज़ ना मिलती या ना मिलती, वो अपनी अलमारी में ढूंढे जावे। फिर पूछेंगे आई मेरी चुन्नी ना मिलती, वो कहा कि मम्मी मेरे इसका कमीज़ कोना की तय, फिर ढूंढना पड़ेगा, रुक जा मैं अपनी अलमारी में ढूंढूँ के पता मेरे कपड़े के साथ हो। तो इसलिए ये कोशिश रखूँ कि तय बनाते टाइम मैं दोनों के अलग अलग कर देऊँ। हम मैं सूट तो दोनों के अलग अलग कर दूँ लेकिन उसकी टी शर्ट और लोअर तो फिर भी मिल जाए इन बाल का क्या। मैं सारे काले काले से रंग के मन ने तेनों पता चला ना कौन से का लोअर है भाई, शिवानी का है, साहिल का है कि अनुज का है, कौन से का। मन ने तो सारे एक से दिखा करें, हर नाम मेरे तो इनकी पहचान होती ना, उन पर कोई से निशान होते जिन आदमी पहचान ले। तो टी शर्ट लोअर तो मैं था कट्ठे दर्दू जी का जो है ढूंढ लियो, जो एक आधी टी शर्ट की इसकी शिवानी की पहचान हो रही है वो तो इसके सूटा के साथ।